आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी मटेरियल है, यानी कि ये इंतहाई लाइट है, लेकिन उसके अपोजिट ये इंतहाई यूजफुल प्रॉपर्टीज रखता है। और वो कौन सा मटेरियल है? यह है ग्रेफाइट। और ये जो मटेरियल है ये अर्थ में तब बनता है जब इसके ऊपर 75,000 पाउंड पर स्क्वेयर इंच का प्रेशर पड़ता है और 750 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, फिर जाके ये ग्रेफाइट बनता है। और जो ग्रेफाइट है इसकी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं कि अगर आप एक ग्रेफाइट की छोटी सी क्यूब को प्लांट के ऊपर रखेंगे तो आपको लगेगा कि जो एक प्लांट का पेटल है उसका वजन ज़्यादा है उस ग्रेफाइट की छोटी सी क्यूब से। ये इंतहाई लाइट होता है, लेकिन उसके बावजूद ये हाईली कंडक्टिव है। हालांकि ये कोई मेटल नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसकी एक कंडक्टिव नेचर होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आज ये ज़माने में जो सिलिकॉन है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है किसी भी प्रोसेसर या किसी भी किस्म की कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है स्टेबल सेमीकंडक्टर है और इसको यूज़ करना बहुत आसान है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत आसान है अगर हम बाकी मटेरियल से कंपेयर करें तो। आप अक्सर सुन रहे होंगे कि जो साइज यूज़ होता है, जो मतलब एक स्ट्रक्चर यूज़ होता है किसी भी प्रोसेसर के अंदर, वो छोटे से छोटा होता जा रहा है, यानी 5 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर आगे 2 नैनोमीटर हो सकते आ जाए, लेकिन एक लिमिट है कि जितना आप सिलिकॉन के चिप्स की जो स्ट्रक्चर है अंदर खास किस्म की जो डिज़ाइनिंग है उसको आप छोटा कर सकें। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो इंतहाई छोटा हो सकता है, यानी कि आप ग्रेफाइट को 7 एटम्स की विड्थ तक छोटा कर सकते हैं, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है और कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं ये स्टैंडर्ड सिलिकॉन चिप्स से। और मज़े की बात यह है कि ये एक्चुअली इन सारे कंडक्टिव मेटल से ज़्यादा चीप है, ये स्टील से 10 गुना लाइटर और 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि ये एक बहुत ही एक अजीब और माइंड ब्लोइंग चीज़ है, एक वो भी एक नॉन मेटल के लिए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो ग्रेफाइट का है वो ये है कि अगर हम आज की सिलिकॉन चिप से इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करें, एक ऐसी चिप जो कि प्योरली ग्रेफाइट की बनी हो, तो वो एक सिलिकॉन चिप से 70 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगी और उसे कई गुना ज़्यादा एफिशिएंट भी होगी, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस बनाती है। लेकिन इसका फिर हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते ये इलेक्ट्रॉनिक बनाने में? इसके पीछे रीज़न ये है कि ग्रेफाइट को इस तरह कलेक्ट करना और इसको लार्ज स्केल पे जो है वो प्रोड्यूस करना ये बहुत ही कम कंपनीज करती हैं, यानी इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। लेकिन फ्यूचर में जाके हम ऐसी टेक्नोलॉजीज भी देखेंगे जो कि प्योरली ग्रेफाइट पावर्ड होंगी, यानी कि उनकी एफिशिएंसी कई गुना ज़्यादा होगी आज जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो कई गुना ज़्यादा होगी। ये हमारा लास्ट सेक्टर, वो ये है कि अगर आप ग्रेफाइट पे पार्टिकुलर प्रेशर दें, यानी कि ख़ास प्रेशर में इसको रखें, तो ये फर्दर डायमंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं से ग्रेफाइट पकड़ के उसके ऊपर हाथ से प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए इसको ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ में होना ज़रूरी है, उसके ऊपर कई 1000 पाउंड पर स्क्वेयर इंच का प्रेशर होना ज़रूरी है, और अगर कुछ सालों तक ऐसा प्रेशर पड़ता रहे तो यह डायमंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।